नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है दोस्तों, हमारे ढेरों सब्सक्राइबर्स ने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर दी है। बहुत अच्छी बात है। एक और चीज जो आपके घर से गरीबी को जड़ से खत्म कर दे, वो मैं लेकर के आई हूँ। ये मैंने खुद ने बनवाया हुआ है, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। आप देखिए इसको, ये है शिवलिंग, ये श्री यंत्र। देखिए ये श्री यंत्र आपको बाहर नहीं मिलेगा, इसके अंदर श्री यंत्र है, इसके अंदर गुंजा है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, गुंजा की माला। गुंजा के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई है कि गुंजा लाइव चीज है, जो आप बोलते हो वो सुनती है और वही काम करती है। इसके अंदर मैंने गुंजा के दाने सेट करवाए हैं श्री यंत्र के नीचे। गुंजा अगर आपके घर में धन स्थान में भी रखी है तो कभी भी धन की हानि नहीं होती, कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती। कभी भी नेगेटिव समय आता है तो गुंजा अपना कलर बदलती है ना। ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। श्री यंत्र के नीचे पूरी लाइन गुंजा की मैंने लगाई है। इसमें आप ही के लिए मैंने बनवाया है, जो भी इसे मंगाना चाहे। आप देखें इसके नीचे लक्ष्मी कोड़ी। काफी हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स पूछते थे लक्ष्मी कोड़ी कैसी होती है। इसमें मैंने ये कोड़ियों का पूरा एक लर उसके नीचे बिठाया है, और कोड़ियों के नीचे ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। और इसके नीचे ये जो लगा रखे हैं दोस्तों, भगवान रुद्र को, भगवान शिव को प्रिय रुद्राक्ष, पूरी एक लर है, लाइन है। और उसके नीचे जो हमेशा धन को खींचती है और तमाम प्रकार के दुनियावी चक्र से, मुसीबतों से, संकटों से आपकी रक्षा जो करती है, वो है गोमती चक्र। पूरी लाइन गोमती चक्र की है। ये असाधारण है और काफी बड़ा है। आप देखिए इसको, इसकी साइज भी बहुत बड़ी है। आप इसको पूजा स्थान में भी रख सकते हैं, जहां आप वर्क करते हैं वहां वर्किंग टेबल पर भी आप इसको रख सकते हैं। हाँ, रोज आपको इसको धूप दीप दिखाना होगा। ये साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है, साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आप इसे पास से देख सकते हैं, साइज भी इसकी काफी बड़ी है और हर चीज इसके अंदर मौजूद है जो लक्ष्मी को आपके घर में आने पर मजबूर कर देगी। बहुत ही पावरफुल है ये श्री यंत्र, आप इसे मंगवा सकते हैं। शुक्रवार के दिन, पूनम के दिन, अमावस्या के दिन या त्रयोदशी के दिन आप इसकी स्थापना अपने घर में पूजा स्थान में कर दें। ढेरों वीडियोस मैंने बनाई है जो आपके घर की गरीबी को दूर करे, दरिद्रता को दूर करे, और ये वो तमाम चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जो गरीबी को, दरिद्रता को जड़ से खत्म करती है। सिर्फ आप इसको अपने घर में रख करके देखें, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ श्रीयंत्र नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो इसमें आप देख सकते हैं साइन है, ये आपकी शक्ति को ऊपर की तरफ बढ़ाता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, आपकी ऊर्जा को जागृत करता है। ये जो इसमें चिन्ह डलवाया है, ये कहीं बाजार में मिलने वाली चीजें नहीं, ये खुद मेरी बनवाई हुई चीजें हैं। देखिए आप इसको, पूरी कोशिश करें आप इसे मंगवाएं और अपने घर में पूजा स्थान में रखें। गरीबी आपको टच नहीं करेगी, मंगवा करके। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।